बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, भाग 3। गृह विज्ञान विषय में मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय, भाग 4। बच्चों, बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स पे और डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, भारत में LPG के दौर की शुरुआत 1991 से मानी जाती है, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये इसकी बात हम इस चैप्टर में करते हैं। तो अब तक हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, आज के पार्ट में हम चर्चा करेंगे उदारीकरण के बारे में। देखिए, उदारीकरण की बात करें यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, आर्थिक रूप से लिबर्टी लाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए नियमों में शिथिलता लाने की आवश्यकता थी, इसलिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। देखिए, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले यह जानना जरूरी है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत विश्व का बहुत पुराने देशों में से गिना जाता है, विश्व शक्ति के रूप में माना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में गिना जाता था, समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में गिना जाता था। भारत में राज व्यवस्थाएं चलती थी, राजतंत्र चलता था, रियासतें चलती थी। अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने यह व्यापार करने की अनुमति मांगी, हमारे राजाओं ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी, और उन्होंने देखते देखते हमारे राजाओं को एक दूसरे से लड़ाकर फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत पर शासन करने लगे। शासन के नाम पे उन्होंने शोषण किया, और फाइनली 200-250 साल तक उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया, और इसका परिणाम ये रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, गतिहीन हो गई और गर्त में चली गई। ऐसी दशा में भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान करने की अत्यंत आवश्यकता थी, इसीलिए भारत में आर्थिक नियोजन किया गया, भारत में LPG की आवश्यकता पड़ी। तो इस चैप्टर का जो आधार है, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कैसे न कैसे करके भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, गतिशीलता लाना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में उत्थान हो सके, देश की जनता का कल्याण, मानव विकास हो सके, इसके लिए भारत में आर्थिक नियोजन करना पड़ा। तो बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उदारीकरण, सबसे पहले तो अपन को यह जानना पड़ेगा कि उदारीकरण क्या होता है। मैं इस शब्द को क्लियर करना चाहूंगा, बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, उदारीकरण, देखिए उदारीकरण जो शब्द बना है वो उदारता से बना है, सरकार की तरफ से उदारता दिखाना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको बताना इसको क्लियर करना चाहूंगा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से हमारे राजाओं से अपील करी कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, या कंपनी खोलना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं और आपको भी कमाने का अवसर देंगे। हमारे राजाओं ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने यहाँ व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर रहते हुए उन्होंने हमारे राजाओं को एक दूसरे से लड़ाना शुरू किया, और फूट डालो राज करो की नीति से भारत में वो शोषण करने लगे। फाइनली 200-250 साल तक हम अंग्रेजों के उपनिवेश रहे, और लंबे संघर्ष के बाद, हमारे बहुत से स्वतंत्र सेनानियों के त्याग बलिदान के बाद, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब देश आजाद हो गया तो हमने कठोर नियम बनाए, FDI पे रोक लगाई, और व्यापार संबंधी नियमों में बहुत से तरह के कठोर नियम और प्रतिबंध लगाए, और हमने अपने तरीके से आर्थिक नियोजन की शुरुआत करी।
और ये परंपरा चलती रही। लेकिन ये कठोर नियम ही भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाने लगे, क्योंकि विश्व के अन्य देश, वैश्विक संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं हमारे सहयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे जो नियम थे वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कठोर थे। इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, भारत में FDI नहीं कर सकती थी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। ऐसी दशा में नियमों में उदारता लाने की आवश्यकता पड़ी ताकि हम विश्व के अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। तो देखिए बच्चों, उदारीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी। वैसे उदारीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नियमों में उदारता लाना, छूट देना, ढील देना, ध्यान रखिएगा। तो आज बात करते हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण। देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन करना पड़ा। और आर्थिक नियोजन का जो प्रारूप, मॉडल या फॉर्मूला जो हमने लिया वो रूस से लिया। तो ध्यान से समझना, आजादी के बाद भारत में रूस से प्रेरणा लेकर हमने नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करी, और ये शुरुआत हमने 1 अप्रैल 1951 से करी। कब से करी? 1 अप्रैल 1951 से। यानी भारत में आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल या भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा हमने किस देश से ली थी? तो ये हमने रूस से ली थी। और भारत में विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1951 से मानी जाती है। और धीरे धीरे हमने आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुए। तो भारत में 1951 में हमने आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत हमने 1 अप्रैल 1951 से की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में। ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 51 से शुरू हुई और चलती रही। यानी 1951 से लेकर 1990 तक, यानी बीते 40 वर्षों के दौरान हमने अपने काफ़ी उपलब्धि हासिल करी, और करीब 7 पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने पूरी करी। लेकिन हमारे विकास तो बढ़ रहा था, आधारभूत सुविधा भी बढ़ी, खाद्यान्न की पूर्ति भी हुई, औद्योगिक संसाधनों में वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ बाधक तत्व थे। बाधक तत्व ये थे कि हम FDI पे हमने कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे, नियम हमारे कठोर थे, व्यापार करने में हमें काफ़ी कठिनाई हो रही थी, निवेशकों को काफ़ी परेशानी होती थी, बहुत सी तरह की पाबंदियाँ थी, क्योंकि हम सतर्क थे, हमारे नियम थोड़े कठोर थे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अब छिन भिन ना हो जाए। क्योंकि जो गलती हमारे राजाओं ने करी थी वो गलती हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमारे नियम काफ़ी कठोर थे, उन नियमों को भी बदलने की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए 1951 से 90 का जो टाइम पीरियड था, यानी वो 40 वर्ष जिसमें 7 पंचवर्षीय योजना हुई, उस नियोजित विकास में हमने कई उपलब्धियां भी हासिल करी। ऐसी बात नहीं है कि हमने अपने देश का उत्थान, कल्याण और विकास करने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, और उन्हीं प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है पंचवर्षीय योजना, और इसका रिटर्न भी हमें बहुत अच्छा मिला, जिसके माध्यम से हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बने, औद्योगिक ढांचा भी हमारा मजबूत हुआ। जैसे देश में विकास के आधारभूत ढांचा तैयार हुआ और भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। लेकिन इसके बाद भी हमारे गंभीर और सघन प्रयास जो हमने किए वो 1985 के बाद प्रारंभ हुए, जो अब तक चल रहे हैं, लेकिन जो हमें परिणाम चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाए। क्या कारण थे, अब ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने नियम तो काफ़ी कठोर रखे, और उन नियमों की वजह से, क्योंकि हमारे नियम कठोर थे, सतर्क थे, क्योंकि हम हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते थे, हमारी अर्थव्यवस्था को हम नए सिरे से खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि 200-250 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी गर्त में चली गई थी, अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए हमें नए सिरे से काम करना था। इसके लिए सरकार ने बहुत से तरह के नियम बना रखे थे, और वो नियमों में कुछ तरह की सतर्कता थी, पाबंदियाँ थी, सावधानियाँ थी, लेकिन नियमों की वजह से हमें काफी चीजों का नुकसान हुआ, क्योंकि वैश्विक प्रतिबंध हमारे ऊपर लगने लग गए, साथ ही हमारे निजी भागीदारी की कमी रहने लग गई, भारत के उद्योगपति इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, और जब तक इन चीजों में उत्थान नहीं होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में गति नहीं मिल सकती। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर पंडिकर, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर पंडिकर ने अपने एक लेख लिखा था, ए डेवलपमेंट फॉर ए कंट्री, और एक बुक और उन्होंने लिखी थी, ए डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्री। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होना चाहिए। और बिल्कुल, भारत ने जब नए सिरे से शुरुआत करी, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमने आर्थिक नियोजन पे काफ़ी महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, जिसके लिए हमने योजना आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, रूस के मॉडल का अध्ययन किया, और फाइनली 1 अप्रैल 1951 से हमने पंचवर्षीय योजना के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास भी किया। और 40 साल में हमने कई कीर्तिमान भी साबित किए, जैसे खाद्यान्न क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, और साथ ही हमने आधारभूत ढांचा भी तैयार किया। लेकिन फिर भी हमारे कुछ प्रतिबंध, नियम, इनकी वजह से हम
कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को उत्थान नहीं उठा पाए, उच्च वृद्धि नहीं दे पाए। इसलिए पंडिकर ने यह बात कही भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि हमारे पास वह सब कुछ है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास वह सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, विद्वान है, श्रम शक्ति है, सब तरह की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विकास की ओर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमने नियोजित विकास के चक्कर में, क्योंकि हम नियोजित रूप से देश का उत्थान करना चाहते थे, सिस्टमेटिक ढंग से चलना चाहते थे, ताकि जो गड़बड़ी पहले हुई वो अब ना हो, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को हमें गति देना था, लेकिन हमने कई अनावश्यक कठोर, देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी। देखिए बच्चों ये पॉइंट जानना जरूरी है, मैंने अभी आपको कहा उदारीकरण का मतलब है उदारता प्रकट करना, तो ध्यान रखिएगा अनावश्यक कठोर नियम और नीतियां हमने बना डाले कि भारत में कोई भी कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, FDI 100% नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत से तरह के कई प्रतिबंध भी थे जो गलत भी थे, अनावश्यक भी थे, और अनेक प्रकार के नियंत्रण हमने लागू कर रहे थे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जो आगे चलकर हमें ही बाधा देने लगे, इसलिए इनको ढीला करना जरूरी था, इनमें शिथिलता लाना जरूरी था, कुछ नियमों को हटाना जरूरी था, अनावश्यक पाबंदियों को खत्म करना जरूरी था, और इसीलिए भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि आर्थिक उदारीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, ध्यान से समझना। भारत में आर्थिक उदारीकरण की अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया 1973 में ही शुरू हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए काफ़ी उद्योगों को बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 1985 के बाद से इसमें ये दौर प्रारंभ हुआ, और फाइनली 24 जुलाई 1991 की नीति में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG पे घोषणाएं करी, आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करी, प्राइवेटेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया, और साथ ही नियमों में शिथिलता लाई जिसमें हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश करी। अब बात करते हैं उदारीकरण का अर्थ क्या है, देखिए इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है और भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर कब शुरू हुआ था, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना है। देखिए देश में आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ, देखिए उदारीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनियां तो काम कर रही है लेकिन उसमें निजी भागीदारी की आवश्यकता थी, और वो तभी हो सकती थी जब हम आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करें, उन उद्योगों का निजीकरण करें, नियमों की पाबंदियां हटाएं, ताकि जो छोटे व्यापारी है, मध्यम दर्जे के व्यापारी है, उन्हें व्यापार करने में आसानी रहे, ताकि ज़्यादा नियम कम हो, क्योंकि जितने ज़्यादा नियम होंगे उतने ज़्यादा ही अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि व्यापारी वर्ग इस पर काम नहीं कर पाता है, तो पाबंदियों को हटाना बड़ा आवश्यक था। तो ध्यान से समझना, देश के आर्थिक विकास में वह सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार अपनी आर्थिक नीति को कठोरता के साथ अब अधिक उदार बनाना चाहती थी, और उदार बनाने के लिए वो निजी क्षेत्र के लिए बहुत से तरह के प्रोजेक्ट लाना चाहती थी, पाबंदियां हटाना चाहती थी, साथ ही बहुत से तरह की फॉर्मेलिटीज भी हटाना चाहती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी कठोर होती थी, व्यापार करने के लिए बहुत से तरह के नियम होते थे, उन नियमों की वजह से बहुत से व्यापारी काम नहीं कर पाते थे, इसलिए उन नियमों को हटाना जरूरी था, पाबंदियों को खत्म करना जरूरी था, लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना जरूरी था, आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करना जरूरी था, इसलिए हमने नियमों को परिवर्तन किया और इस तरह से भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। हम यूं भी कह सकते हैं कि उदारीकरण कई प्रकार की छूटें और सुविधाएं प्रदान करता है, यानी उदारीकरण का शाब्दिक अर्थ ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें छूट प्रदान करनी थी और साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी देनी थी, ताकि निजी वर्ग निजी व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीवादी वर्ग हमारे साथ मिलकर काम कर सके, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी भागीदारी भी भारत में बढ़ सके, इसीलिए हमने इस पर प्रयास किया। सरकार के आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रदान किया, ताकि जो पहले नहीं थी, तो उदारीकरण में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमने नियोजित अर्थव्यवस्था के दौर में कुछ काफ़ी कठोर नियम बना रखे थे, प्रतिबंध बना रखे थे, लेकिन अब उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, लाइसेंस प्रक्रिया को आसान कर दिया गया, ऐसे प्रतिबंधों को हटाया गया, छूट दी गई, जिसका परिणाम है कि भारत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान हुई। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सरकार अपने दृष्टिकोण में आर्थिक विकास की दृष्टि में निजी क्षेत्र के प्रति जो कठोर रुख था उसको उन्होंने त्याग दिया और लचीला रुख अपनाते हुए उन्होंने लचीला रुख अपनाती है तो इसे हम उदारीकरण कहते हैं। तो कुल मिला के निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र मिलकर काम कर सके, इसलिए नियमों में शिथिलता लाना आवश्यकता था, उदारता प्रकट करना जरूरी था, पाबंदियां खत्म करना जरूरी था, इन सब चीज़ों का जो समावेश है वही उदारीकरण है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण।
यानी पूरे विश्व का एकीकरण, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में मनाना, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल देना। देखिए पहले बहुत सी तरह की पाबंदियां थी जिसके कारण विश्व के अन्य देश, विश्व के अन्य देशों के व्यापारी उद्योगपति इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कठोर नियम थे, बहुत से तरह के प्रतिबंध थे, FDI में रुकावटें थी। एक वर्ड और मैं बताना चाहूँगा, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसे हम FDI कहते हैं, जिसके माध्यम से विदेशी कंपनी, विदेशी व्यापारी, विदेशी साहसी, विदेशी निवेशक हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यहाँ आके वो खुद की कंपनियाँ चला सकते हैं। ये कई तरह का होता है, इन सब पर बहुत सी तरह की पाबंदियाँ थी और इस तरह से हमने वैश्वीकरण को लाना पड़ा। तो मैं बताना चाहूँगा, भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए, मानव का कल्याण विकास करने के लिए हमारे देश में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ी, लेकिन हमने कुछ कठोर प्रतिबंध बना रखे थे जिसके कारण कहीं ना कहीं हम वो विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सके। साथ ही हमारे ऊपर वैश्विक दबाव था, वित्तीय संस्थानों का दबाव था, क्योंकि हमें वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं मिल रहा था, हमें आयात निर्यात पर हमारे कुछ कठोर प्रतिबंध थे। उन सभी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए हमने वैश्वीकरण को अपनाया। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे विश्व के लिए खोल देना, यानी पूरे विश्व को एक कुटुंब, वसुदेव कुटुंब के रूप में अपनाना, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में बनाना, यानी किसी प्रकार की रोक टोक हटा देना। तो जब देश की अर्थव्यवस्था को स्वदेशी व विदेशी दोनों के लिए, निजी क्षेत्र के लिए खोल देना तथा सभी आर्थिक विकास में अपनी अपनी सकारात्मक संरचनात्मक भूमिका निभाने के लिए बिना भेदभाव के अगर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और विभिन्न प्रकार की उन्हें छूटें सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण का मतलब यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल देना, उनके लिए जो कठोर प्रतिबंध थे, पाबंदियां थी, नियम थे, उन सबको हटा देना, उनमें बदलाव करना और विदेशी कंपनियों को भारत की कंपनियों में काम करने का अवसर देना, ये सब वैश्वीकरण में आता है। बच्चों, भारत सरकार ने 1997 में अपनी आर्थिक नीति में, ध्यान रखिएगा मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो ये दौर हमने 1991 में शुरू कर दिया, लेकिन 1997 में हमने इसमें और परिवर्तन किए। तो अपनी आर्थिक नीति में उन्होंने व्यापक परिवर्तन किए, बड़े फेरबदल किए, जिसमें हमने निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण यानी LPG की नीति में को अपना कर विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार के लिए किए। और यही कारण था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था, भारत अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, और यही था कि हमने LPG को अपनाया। इसलिए भारत में आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। बच्चों, किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो PV नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये चीज़ शुरू हुई थी। वैसे तो हमने 1973 में इसके बारे में काम करना शुरू किया था, लेकिन एक्चुअल में 90 के दशक में जाके ये काम हुआ। अब बात करें, देखिए चैप्टर के अंदर हमने उदारीकरण के बारे में पढ़ा, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा, निजीकरण के बारे में पढ़ा, और LPG के दौर को हमने अपनाया और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को उत्थान भी हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को गति भी मिली और हमने कुछ अचीवमेंट भी प्राप्त किए। अब इसका हम मेरिट और डीमेरिट देखते हैं कि LPG को अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव क्या थे, सकारात्मक प्रभाव क्या थे, इनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ और इनसे हमें क्या नुकसान हुआ, आइए इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, अनुकूलतम प्रभाव यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा और प्रतिकूल प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, यानी इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या क्या फायदा हुआ ये तो हम इधर पढ़ेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या क्या नुकसान हुआ वो हम इधर पढ़ेंगे। तो देखिए पॉइंट को बड़ी ध्यान से मानना। पहला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक सुधार हुए। बिल्कुल सही है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में हमारे यहाँ व्यापक काफ़ी सुधार हुए, क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव था, हमारे पास तकनीकी का अभाव था, इसलिए जब हमने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया तो बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में आई, इन्वेस्टर आए, साहसी आए और उन्होंने हमारे देश में दिलचस्पी ली, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और आयात निर्यात में वृद्धि हुई और परिणाम थे हमारे देश में आर्थिक सुधार हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई। बिल्कुल, क्योंकि हमने काफ़ी कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आ पा रही थी या उन्हें कई रुकावटों को सामना करना पड़ता था। साथ ही हमने FDI में भी काफ़ी नियम बना रखे थे कि 26% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कई किसी में हम 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने उन नियमों को भी चेंज किया और उन्होंने FDI को बढ़ाया ताकि हमारे देश में पूंजी वृद्धि हो सके, क्योंकि जब पूंजी वृद्धि होगी तो व्यापार करने में आसानी होगी, साहसी बढ़कर काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने रोजगार प्रदान कर सकता है। तो कुल मिला के प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई और इसका परिणाम है कि रोजगार के अवसर बढ़े और फायदा होता है विनिवेशों में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, जब देश में उदारीकरण निजीकरण का दौर शुरू हुआ तो इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ, साथ ही बहुत सी कंपनियों ने हमारे देश में इंटरेस्ट लिया और हमारे विनियोग में वृद्धि हुई।
औद्योगिक विकास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसीलिए हमने एलपीजी को अपनाया। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी बच्चों, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या, और उन सभी का समाधान करने के लिए हमने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी करे, जिसमें हमने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, आर्थिक सुधार भी किए, लेकिन फिर भी हमारे पास तकनीकी अभाव था, पूंजी अभाव था, और ज्ञान का अभाव था, नवप्रवर्तन का अभाव था, क्योंकि हमारे पास पुराने परंपरागत विधियाँ थी, तकनीकी थी, जिसके तहत हमारे यहाँ कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही थी और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। फाइनली हमने एलपीजी को अपनाया, जिससे हमारे देश में निजीकरण को भी बढ़ावा मिला, हमारे देश में नियमों में उदारता है, जिससे व्यापारी अच्छे से मन लगा के काम कर पा रहा है, और साथ ही विदेशी अर्थव्यवस्था के लिए जब हमने दरवाजे खोल दिए तो बहुत से इंटरेस्टेड जो बिजनेसमैन थे, फॉरेनर कंपनियां थी, उन्होंने भारत में व्यापार किया, और परिणाम तो यहाँ रोजगार बढ़े, औद्योगिक ढांचा बिल्डअप हुआ, और कंपटीशन का माहौल क्रिएट हुआ, और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में उपभोक्ता को फ़ायदा भी हुआ। तो कुल मिला के औद्योगिक विकास जो हुआ वो उस ये भी एक एलपीजी का एक सकारात्मक पहलू है। अगली बात करें लघु व कुटीर उद्योगों की प्रगति हुई, क्योंकि जब हमारे पास जो छोटे छोटे उद्योग थे, व्यापारी वर्ग थे, उनके पास पुरानी तकनीकी थी, जब हमारे यहाँ पे विदेशी जब आए तो इससे हमारे हमें पूंजी निर्माण मिला, कच्चे माल की पर्याप्त भी हुई, हमारे पास तकनीकी भी मिली, तो फाइनली लघु कुटीर उद्योगों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो ये इसके सकारात्मक पहलू थे। अब नकारात्मक पहलू की बात करते हैं कि जब एलपीजी को अपनाया तो इससे हमें क्या क्या नुकसान भी का भी सामना करना पड़ा। तो देखिए, पहला तो है सार्वजनिक उपक्रमों पर कुठाराघात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी सार्वजनिक कंपनियां रुग्ण इकाइयों के रूप में काम कर रही थी, बीमारू इकाई के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि वो घाटे में चल रही थी। सरकार ने उन जब ये घाटे में चल रही थी तो सरकार ने उन सबका निजीकरण करना शुरू किया। इसके लिए सरकार ने आरक्षित उद्योगों की संख्या घटा दी और धीरे धीरे उनका निजीकरण करना शुरू किया, ताकि घाटे से पूर्ति हो सके। ऐसी दशा में जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनके ऊपर मानसिक रूप से काफ़ी प्रेशर आया, परिवर्तन आया, और यही था कि आज भी हमारे काफ़ी सार्वजनिक उपक्रम हैं जो घाटे में चल रहे हैं। तो सार्वजनिक उपक्रमों पर कुठाराघात हुआ, दबाव बनने लगा, और फाइनली निजीकरण को बढ़ावा होने से उनमें द्वेष की भावना भी उत्पन्न हुई। जैसे भी आप देख रहे हैं, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे रेलवे कर्मचारियों पर द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक कुठाराघात भी हम कह सकते हैं। साथ ही विदेशी ऋण भार में वृद्धि, बिल्कुल, क्योंकि जब हमने एलपीजी को जब अपनाया तो हमारे व्यापार के दरवाजे हमने खोल दिए, और इसके लिए हमने ऋण भी लेना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, एफडीआई भी बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यहाँ पर एक तरह से लोन भी बढ़ता जा रहा है। वही तीसरी बात करें बेरोजगारी को बढ़ावा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत सी एमएनसी जब भारत में आ गई तो हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग तबाह हो गए, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए, ऐसी दशा में वो लोग बेरोजगार हो गए। तो कहीं नहीं गई यहाँ बेरोजगारी भी को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि तकनीकी बढ़ी है, तकनीक बढ़ी है, और ऐसी दशा में जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका व्यापार खत्म हो गया, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन थे वो काफ़ी कॉस्टिंग आती थी, उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी, मशीन नहीं थे, ऐसी दशा में वो बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पाए और वो समाप्त हो गए। तो कहीं नहीं गई यहाँ पे बेरोजगारी भी एक पहलू है जो कि प्रतिकूल प्रभाव के रूप में हम मान सकते हैं। दोस्त बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट बात करें घरेलू उद्योगों का पतन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे उद्योग थे वो उनकी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए, पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध नहीं करा पाए, कॉस्टिंग नहीं दे पाए, तो ऐसी दशा में वो धीरे धीरे बंद होते गए, लुप्त होते गए, और ऐसी दशा में हमारे घरेलू उद्योग भी खत्म हो गए। देश की वैश्विक संपदा पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव, बिल्कुल सही है, क्योंकि धीरे धीरे जब फॉरेन कंपनियां हमारे देश में आने लगे तो उन्होंने भारतीय व्यापार पे कब्जा करना शुरू करने लगा, क्योंकि एफडीआई उनका बढ़ने लगा, तकनीकी बढ़ने लग गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग गया, और कहीं ना कहीं हम उनके आदि भी होते चले। तो ऐसी दशा में हमारे बाजार पर पूर्णतः उनका काबू होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एलपीजी का दुष्प्रभाव है। वही बात करें भारतीय संस्कृति में विदेशी कंपनियों का प्रभाव, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विदेशी कंपनियां जब भारत में आए तो साथ साथ विदेशी कल्चर भी भारत में आ गया। ऐसी दशा में हमारे जो पुराना कल्चर था, ढर्रा था, सिस्टम था, वो भी इससे प्रभावित होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एलपीजी भारत के लिए सकारात्मक रूप से काफ़ी लाभदायक रही, फायदेमंद रही, इससे हमारे औद्योगिक विकास को की प्रबल संभावनाएं बढ़ी, रोजगार बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी देखने मिले। लेकिन फाइनली अगर हम संक्षिप्त में इसका सारांश निकालें तो बच्चों, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा ही हुआ है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को जो उच्चा उत्थान चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें ये सबसे बड़ा टॉनिक के रूप में काम किया। तो आज इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई और इसके क्या क्या फायदे हुए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मिशन ज्ञान के साथ। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 11 में गृह विज्ञान विषय में
मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। आज हम करेंगे गृह विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का परिचय। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। अगर हम साधारण से शब्दों में बात करें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी से हम समझेंगे कि मानव, यानी मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है और पर्यावरण का मानव के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत। साथ ही साथ हम उन भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी अध्ययन करेंगे जिनका सीधा संबंध बच्चों से, किशोरों से, वयस्कों से, यानी कि संपूर्ण मानव जाति से है। तो ये था हमारा मानव पारिस्थितिकी। हमारा जो दूसरा शब्द है परिवार विज्ञान, तो हम जान लेते हैं ये परिवार विज्ञान क्या है। जैसे ही मैंने परिवार बोला तो हम सबके सामने एक ऐसी इकाई आ गई जिसमें हमारा पालन पोषण होता है, हमारे व्यक्तित्व को पहचान मिलती है, हम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है, हमारे परिवार का। तो क्या है ये परिवार विज्ञान? विज्ञान यानी कि व्यवस्थित अध्ययन, ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जो कि हमारे परिवार से संबंधित है। तो परिभाषा के तौर पर हम बच्चों ले सकते हैं व्यक्ति के परिवार एवं उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान है परिवार। बच्चों आपको कॉपी और पेन लेकर इसे नोट कर लेना है क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवार विज्ञान क्या है, मानव पारिस्थितिकी क्या है। तो बच्चों जो परिवार और समाज का आपस में संबंध है, परिवार के व्यक्तियों का समाज के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है परिवार विज्ञान के अंतर्गत। बच्चों ये जो हमारा विषय है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, इससे मिलता जुलता ही हमारा जो गृह विज्ञान विषय है वो है। तो हम बात कर लेते हैं अब कि गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गृह यानी कि घर, विज्ञान यानी व्यवस्थित अध्ययन, ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जो कि हमारे घर से संबंधित है। साइंस दैट इज फॉर होम। बच्चों जैसे ही मैंने गृह विज्ञान का नाम लिया तो आप सबके मन में सबसे पहले क्या आया, भोजन बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना और साफ सफाई करना। जबकि बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या धारणाएं हैं इस विषय के प्रति। इसीलिए इन मिथ्या धारणाओं को दूर करने के लिए ही इस विषय को एक नया नाम दिया गया, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। समय के साथ हर चीज बदलती है। देखिए जैसे जीव विज्ञान को आजकल क्या कहा जाता है, जीवन विज्ञान भी कहा जाता है। कौन कौन सी और मिथ्या धारणाएं हैं गृह विज्ञान के बारे में बच्चों जान लेते हैं। जो लोग गृह विज्ञान को नहीं जानते, यानी जो इससे नहीं जुड़े हुए, उन्होंने इसे यहीं तक सीमित किया हुआ है। सफाई करने से, पाक कौशल यानी कि भोजन बनाने से, कपड़े धोने से एवं बच्चे संभालने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों ये जो गृह विज्ञान है ये एक अंतर विषय क्षेत्र है, यानी इसके अंदर बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया गया है। और बच्चों इसके बारे में एक मिथ्या धारणा और भी है कि ये केवल छात्राओं का विषय है, ऐसा नहीं है, ये छात्राओं और छात्रों दोनों का ही विषय है। एक मिथ्या धारणा इसके बारे में और भी है कि इसमें परिश्रम कम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। परिश्रम कम इसलिए माना जाता है इसमें क्योंकि इसके अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं। कौन कौन से विषय हैं जिनका हम गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी केवल हम इनके नाम जानेंगे, आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है मानव विकास एवं विस्तार, ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा है संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट।
फोर्थ है कपड़ा एवं वस्त्र विज्ञान, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, और लास्ट है हमारा संप्रेषण एवं विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। बच्चों ये जो सारे विषय हैं ये केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी ज़रूरी हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता की वृद्धि के लिए भी समर्थ हैं। तो बच्चों ये था हमारा गृह विज्ञान में जो विषय पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों ये जो मानव विकास है विस्तार है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत मानव की संपूर्ण अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत जब तक मनुष्य जीवित रहता है, फिर वो चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो। किशोरावस्था की बच्चों हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है किशोरावस्था पर। तो आइए जानते हैं क्या है ये किशोरावस्था। किशोरावस्था को एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है इसे जीवन का निर्णायक मोड़? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप सभी जो कक्षा 11 के छात्र हैं इस वक्त किशोरावस्था में है। कब से शुरू होती है ये अवस्था? जो लगभग 11-12 से शुरू होकर और लगभग 20-21 साल तक ये चलती है। तो आप सब इस अवस्था में हैं, तो जब भी हम किशोरावस्था की बात करेंगे तो आप इसको खुद से रिलेट करके कीजिएगा, आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं निर्णायक मोड़ की। जैसे ही आपने 10th पास की, आपके सामने एक क्वेश्चन था कि हमें आर्ट्स चूज करनी है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको निर्णय लेना पड़ा। इस अवस्था को हम तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यही एक अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन एक साथ आ जाते हैं, उनका तूफान आ जाता है। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, करियर को चुनना, भावनात्मक परिवर्तन। तो इसलिए इसे कहा जाता है तूफान और तनाव की अवस्था। और बच्चों यह किशोरावस्था एक नाजुक मोड़ होता है जिसके दौरान किशोर अपनी समझ का विकास करते हैं और भोजन, अन्य संसाधन, कपड़े, पोशाकें एवं संचार आदि उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का आशय ये है कि बच्चों हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें, जो भी संसाधन, जो भी पर्यावरण मौजूद है, फिर चाहे वो वस्त्र हो, संसाधन हो, भोजन हो, वो हमारे जीवन में यानी किशोरावस्था में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। इन सब का अध्ययन हम करते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये जो हमारा विषय है गृह विज्ञान, इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी सबसे पहले इसका विकास जब शुरू हुआ वो कैसे हुआ। देखिए बच्चों, जो 20वीं शताब्दी थी तब इसके जो बहुत सारे विषय हैं, भोजन, पोषण, वस्त्र, उद्योग, विस्तार, ये जो विषय हैं इनको पढ़ाया तो जा रहा था लेकिन इनको अलग से पढ़ाया जा रहा था, इनको गृह विज्ञान के दायरे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो सबसे पहले इनको गृह विज्ञान के दायरे में कब लाया गया? 1932 में, 1932 में। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गृह विज्ञान के दायरे में ये सब विषय कब आए? 1932 में। और कैसे आए? जब लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ स्थापना की गई? दिल्ली में। कैसे हुई ये स्थापना और इसमें किसका योगदान था? तो चलिए बात करते हैं लेडी इरविन कॉलेज की। बच्चों जो वायसराय थे हमारी स्वतंत्रता से पूर्व 20वीं शताब्दी में, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो जो लॉर्ड इरविन थे उनकी पत्नी का नाम था लेडी डोरोथी इरविन। उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना में बहुत ही अधिक सहयोग दिया अपना और इसकी स्थापना हुई। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये लेडी इरविन कॉलेज है ये किसके नाम पे रखा गया? लेडी डोरोथी इरविन, जो कि किसकी पत्नी थी?
लॉर्ड इरविन की। और बच्चों जब इस कॉलेज की स्थापना हुई तो हमारी बहुत सारी भारतीय महिलाओं ने भी उसमें बहुत अधिक योगदान दिया था इस कॉलेज की स्थापना एवं संकल्पना में। तो आइए जानते हैं कौन थी वे महिलाएं। आपको नोटबुक में नोट भी करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले थी सरोजिनी नायडू, क्या कहा जाता है इन्हें, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये जो महिलाएं थी ना केवल भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल थी बल्कि इन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। और क्यों ज़रूरत पड़ी उस वक्त गृह विज्ञान की या लेडी इरविन कॉलेज की, क्योंकि बच्चों 20वीं शताब्दी का जो काल था भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, उस समय महिलाओं के लिए बहुत कम संस्थान थे जहाँ वो उच्च शिक्षा ले सकें और सामाजिक और शैक्षिक असमानताएं बहुत ज़्यादा थी। तो उन सबको दूर करने के लिए और महिलाओं को अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के बारे में जागरूक करने के लिए शैक्षिक असमानताओं का दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों ये हमने बात की लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज जो हमने परिचय पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय भाग 4। इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं आर ऋण पर ब्याज। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर ऋण पर ब्याज। फटाफट से नोटबुक ओपन कीजिए, अपनी बुक ओपन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ आहरण पर ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं आहरण। आहरण मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से जो भी हम विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, वो होता है आहरण। आहरण पर ब्याज फर्म वसूल करती है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए एक इनकम होती है। आप सभी को याद होगा कि जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट साइड शो किया जाता है। चलिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आहरण पर ब्याज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आहरण पर ब्याज क्या है। साझेदार द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि निजी प्रयोग के लिए फर्म से व्यापार से निकाली गई राशि आहरण कहलाती है। शारदा संलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है और ये आहरण पर ब्याज फर्म की आय होती है। अब हम बात करें आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है और इसकी कितनी विधियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करें आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरण की जाए, देखिए इंपॉर्टेंट बात, विभिन्न तिथियां, इसका मतलब डेट अलग अलग होंगी। असमान राशि यानी आहरण की गई राशि भी अलग अलग होगी, यानी समय तिथि भी अलग अलग है और राशि भी अलग अलग है। यहाँ दो विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि। सरल विधि सरल ब्याज विधि, गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड। जबकि नियमित अंतराल पर यानी जहाँ समय समान हो, समान राशि राशि भी समान, असमान समय असमान राशि, निश्चित राशि और निश्चित समय। तो यहाँ आपके पास एक विधि है औसत अवधि विधि, जिसमें भी हम दो तरह के आहरण की बात करेंगे। मासिक आधार, मासिक आधार से मतलब है कि हम प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं। त्रैमासिक आधार, त्रैमासिक आधार से मतलब है कि जो किया जा रहा है आहरण वो तीन तीन माह के अंतराल में किया जा रहा है। त्रैमासिक, जो त्रैमासिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है आहरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण, जिसमें सबसे पहले है हमारी सरल विधि। इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि की अवधि तक ब्याज निकाला जाता है। यानी जिस दिन आहरण की राशि की गई है
आहरण अगर आपने 1 अप्रैल को किया है तो 1 अप्रैल से लेके अंतिम खाते बनाने की तिथि, अंतिम खाते यानी 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ब्याज ज्ञात करेंगे। अगर आपने आहरण 1 सितंबर को किया है तो सितंबर से 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी आप टोटल 7 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला, आहरण की राशि मल्टीप्लाई ब्याज की दर बटे 100 मल्टीप्लाई 12 बटे महीने बटे 12। अगर ये दिनों में है, आपके जो अवधि है वो दिनों में दी गई है तो आ जाएगा दिनों की संख्या बटे 365। अगर मंथ में है तो मंथ बटे 12, क्यों, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम यहाँ पे कितने लेंगे 12। लेकिन अगर दिनों की संख्या की बात करूँ तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इसलिए हम अपॉन में कितने लेंगे 365। यानी आप सरल विधि में जितने समय के लिए आपने आहरण किया है वो दिन हो या मंथ, उसके आधार पर ही आहरण की गणना की जाती है। चलिए हम लेते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, इस विधि में निम्नांकित तालिका बनाकर आहरण की गणना की जाती है। यानी हमें गुणनफल विधि से अगर आहरण पर ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। क्या टेबल है, पहला कॉलम है वो है आहरण की तिथि, यानी पहले कॉलम में हम आहरण की तिथि को दिखाएंगे। राशि, कितनी राशि का आहरण आपने किया है, अवधि माह या दिनों में, मैंने आप लोगों को बताया है हम ये अवधि गिनते हैं जिस दिन आहरण किया है उस दिन से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक, आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक। अगर महीनों में गिनना पॉसिबल है तो मंथ लेंगे, अन्यथा हम दिन काउंट करेंगे। बाद में आ जाएगा गुणनफल। गुणनफल कैसे आएगा, राशि को आप अवधि से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस राशि को आप इस अवधि से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको प्राप्त हो जाएगा गुणनफल। बाद में आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होगा गुणनफलों का योग, यानी जो आपने टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी गुणनफलों का जो आपका योग होगा उस गुणनफलों के योग को लेंगे मल्टीप्लाई ब्याज की दर। प्रश्न में आपको जो ब्याज की दर दी गई होगी वो अपॉन 100 × 12 और 365। 12 कब आएगा, जब मंथ होंगे, और 365 365 कब आएगा, जब दिन होंगे। यानी आपको देखना है कि आपके दिनों में था या महीनों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दें, ये जो अवधि है अगर दिनों में है तो पूरी की पूरी अवधि दिनों में ही लेंगे, चाहे वो कितने भी आपके आहरण हो, और अगर ये मंथ में है तो भी सभी को आपको मंथ में लेना होगा, यानी आपके जो यूनिट है आपकी जो अवधि है वो सेम यूनिट में होगी। चलिए लेते हैं एक प्रश्न, एक प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या है, राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरण की गई। देखिए ध्यान से, राम एक साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरण की गई 31 मई को 2000, 30 सितंबर को 3000, आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक, 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। आपको कौन सी विधि अपनानी है, सरल विधि, ठीक है, आपको सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 2 आहरण है, क्या आपके आहरण की राशि अलग अलग है, हाँ, एक बार 2000, एक बार 3000। क्या आपके आहरण की अवधि अलग अलग है, हाँ, एक आपने 31 मई को आहरण किया और एक 30 सितंबर को। चलिए आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2000 आहरण की राशि गुणा समय अवधि। आपकी समय अवधि 31 मई से शुरू होगी और 31 दिसंबर को खत्म होगी, तो शुरू करें 31 मई, मई आपका क्या हो चुका है, समाप्त, तो मई के बाद क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हो रहे हैं आपका, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ थे, 5वें मंथ को आपने माइनस किया तो 12 में से 5 गए तो 7 मंथ,
7/12 क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर मंथ है तो 12 आएगा और डेज होंगे तो 365। ब्याज की दर कितनी है? 12%। क्लियर है? कैलकुलेट करेंगे, 12 से 12 को क्रॉस कर देंगे, 20 से 20 को क्रॉस कर देंगे और आपका आंसर होगा 140 रुपीज। तो आपने इस प्रकार से सरल ब्याज विधि से कौन से राशि पर आरेंट के ब्याज निकाला? 2000 पे। अब नेक्स्ट आरेंट की राशि कितनी आपकी? 3000। मंथ कब से शुरू करना है? 30 सितंबर। सितंबर के बाद सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने मंथ आएंगे? 3 मंथ। मल्टीप्लाई कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट? चलिए 12 से 12 क्रॉस हो गया, 20 से 20 क्रॉस कर दिया। आपने दोनों आहरण पर अलग अलग ब्याज की गणना की। अब इसका टोटल लगा देते हैं, तो आपका टोटल आहरण पर ब्याज कितना हो जाएगा? 230। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आपको समझ आ रहा है? सरल ब्याज विधि में जो हमारी आरएन की राशि होती है, उस आरएन की राशि पर हम अलग अलग आरएन पर ब्याज की गणना करते हैं। क्लियर है? फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वापस सोल्व करके देखें अपनी होमवर्क कॉपी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने एक अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन सी विधि से हमें आयरन पर ब्याज की गणना करवा रहा है। प्रश्न स्क्रीन पर है। एक साझेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आयरन किए। डेट ऑफ ड्रॉइंग आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2016 और 31 दिसंबर 2016। अमाउंट आपको दे रखे हैं 1000 और 1500। दूसरा आयरन आपका 30 जून 2016 1200, 31 मार्च 2017 20000। आरएन पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है और खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आरएन पर ब्याज की गणना करनी है और यहाँ आपको बताया नहीं गया है कि कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? गुणनफल विधि का। क्वेश्चन में अगर सरल विधि के बारे में कहा जाए तो आप सरल विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में आपको सरल विधि के प्रयोग के बारे में सूचना नहीं हो तो आप गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आहरण की जो राशि है मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग अलग है। आहरण की राशि है वो अलग अलग दी गई है और आहरण की जो डेट है वो डेट भी क्या है, सभी अलग अलग है। जब आरएन की राशि और आरएन का समय अलग अलग हो तो हम सरल ब्याज विधि या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में सरल विधि के प्रयोग के बारे में सूचना नहीं है, इसलिए हम गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट स्लाइड में कि सरल ब्याज विधि से हम अलग अलग राशि का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं और गुणनफल विधि में हम पर एक टेबल बनाते हैं, एक तालिका बनाकर हम गुणनफल ज्ञात करके फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं तालिका। सबसे पहले जो हमारा कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो अमाउंट का होगा, तीसरा हमारा जो कॉलम होगा वो पीरियड का होगा और चौथा हमारा जो कॉलम होगा वो प्रोडक्ट का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, आपको इंग्लिश वर्ड यूज करने हैं, क्योंकि अगर आप CS CS करना चाहते हैं तो सिलेबस इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो इंग्लिश वर्ड का भी हम प्रयोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। डेट, फर्स्ट डेट आपको कितनी देर की है? 1 अप्रैल 2016। इसको आपने आरएन कितना किया? 1000। दूसरी डेट आपको कितनी देर की है? 30 जून 2016। इसको आपने कितना आरएन किया? 1200। तीसरी डेट आपके पास कितनी है? 31 दिसंबर 16। आपने कितना आरएन किया? 1500। लास्ट डेट आपके पास कितनी है? 31 मार्च 2017। आरएन कितना आपका?
20,000। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आर एंड की डेट और अमाउंट क्वेश्चन में दी गई थी। अब पीरियड, पीरियड कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, पीरियड अवधि जो हमें निकालनी है वो निकालनी है हमें डेट, जिस दिन हमने आर एंड किया तब से खाते बंद होते हैं तब तक। हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च 2017 को, ये डेट है अप्रैल। अप्रैल से मार्च कितने मंथ होंगे, 12, वेरी गुड। जून, 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, जून खत्म हो चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ होंगे, 9। नेक्स्ट डेट कितनी है, 31 दिसंबर, दिसंबर से मार्च, दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च, और लास्ट 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च, 0। क्लियर है, यानी यहाँ 1 अप्रैल से हमने काउंट किया, 1 अप्रैल से कितना हो गया, 12 मंथ, यहाँ पर जून से 9 मंथ, या दिसंबर से 3 मंथ, और मार्च से मार्च 0। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या था, गुणनफल। मैंने क्या बताया था, अमाउंट और पीरियड दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका प्रोडक्ट। करते हैं, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1200 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल इसका टोटल करना है। चलिए टोटल हम करते हैं, 0 0 एंड ऑफ 53, 27,300, 27,300 रुपये। क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए हम इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्याज की राशि, फॉर्मूला आपका क्या है, गुणनफलो का योग मल्टीप्लाई 10/100/12। गुणनफलो का योग कितना आपका, 27,300। ब्याज की दर कितनी आपके प्रश्न में, 1200 × 12। 12 क्यों आएगा, क्योंकि यहां हमने जो समय अवधि ली है ये समय अवधि काई में है, माह में। चलिए 12 से 12 को क्रॉस करेंगे, 20 से 20 को क्रॉस कर देंगे, और आपका आंसर होगा 273 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम आरण पर ब्याज की सरल विधि का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग राशि का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं, लेकिन जब हम गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं तो हम सभी पहले तालिका बनाकर उनका प्रोडक्ट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फटाफट से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अब अगली विधि हमारे सामने आ रही है, जब नियमित अंतराल में समान राशि आहरित की जाए तब आयन पर ब्याज की गणना औसत अवधि विधि के आधार पर की जाएगी। अभी हमने पहले पढ़ा कि जब ब्याज की गणना करने के लिए जो आयन है उनका समय और राशि समान हो तो हम औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं, और औसत अवधि विधि में दो विधियों का आधार माना जाता है, मासिक और त्रैमासिक। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्याज की गणना का सूत्र जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कुल आरण जितने आरण आपने किए हैं मल्टीप्लाई ब्याज की दर मल्टीप्लाई औसत अवधि अपॉन 100 × 12। इस फॉर्मूले को लगाकर हम ज्ञात करेंगे औसत अवधि विधि से आरण पर ब्याज। शुरू करते हैं औसत अवधि विधि के कुछ और तथ्य। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया मासिक आरण। मासिक आरण से क्या तात्पर्य है कि हम प्रत्येक माह आरण कर रहे हैं, प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, यानी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, प्रत्येक माह के
अंत में, अंत से तात्पर्य हो गया हमें प्रत्येक माह का अंत पकड़ना है, यानी 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, यानी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को, प्रत्येक माह के मध्य में। मध्य से तात्पर्य है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करें मिड में, यानी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, यानी प्रत्येक माह के मध्य में। अब यहाँ पर आपको आहरण की अवधि भी दी है, हो सकता है आप पूरे साल भर आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या केवल आप 9 महीने आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या केवल आप 6 मंथ में आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप प्रश्न को देखेंगे तो उस प्रश्न के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी आहरण की समय अवधि 12 महीने हैं, 6 महीने हैं या 9 महीने हैं, उसी के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे औसत अवधि का। अगर प्रारंभ में है तो आपका फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2, मध्य में है तो आपका फॉर्मूला है n अपॉन 2, और अंत में है तो फॉर्मूला है n माइनस 1 अपॉन 2। n का मतलब यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मंथ, यानी कितने मंथ के लिए आपकी ड्यूरेशन है। जैसे देखिए यहां कितने मंथ हैं, 12, तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 6.5, यहां 12 माइनस 1 6 अपॉन 2 5.5, 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, क्लियर है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां आपकी समय अवधि कितनी है, 9, तो n की जगह क्या जाएगा, 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2 5, 9 माइनस 1 अपॉन 2 4.5, और 9 अपॉन 2 यह आ जाएगा आपका 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, और यह आ जाएगा आपका 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4.5, क्लियर है। इसी प्रकार से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, n की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 3.5, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1 6 में 7 5, तो यह आ जाएगा आपका 2.5, और यह आ जाएगा आपका 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आहरण पर ब्याज के लिए औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास तीन, प्रत्येक माह, अगर प्रत्येक माह का आहरण किया जा रहा है तो तीन तरह के सवाल आ सकते हैं, 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने। 12 महीने 12 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि प्रत्येक माह के प्रारंभ में फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 अपॉन 2, अंत में लगता है n माइनस 1 12 माइनस 1 अपॉन 2, और मध्य में लगता है n अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप जो n है उस n की जगह 12, 9 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही हमारी त्रैमासिक आहरण विधि, त्रैमासिक यानी जब हम तीन तीन माह की समय अवधि में आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया हुआ है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में और प्रत्येक तिमाही के मध्य में। देखिए यहां आपने क्या किया था, n प्लस 1 प्रत्येक माह, यहां आपका तिमाही है और एक तिमाही में कितने महीने होते हैं, 3, इसलिए आपका फॉर्मूला हो गया n प्लस 3 n माइनस 3 और n अपॉन 2, ये सेम रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 माह के लिए 12 प्लस 3 अपॉन 2 7.5, 12 माह के लिए 12 माइनस 3 अपॉन 2 4.5, और n अपॉन 2 12 अपॉन 2 6, 9 माह यानी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ कितने आपके 9, तो 9 प्लस 3 अपॉन 2 6, 9 माइनस 3 अपॉन 2 3, और 9 अपॉन 2 4.5, यहाँ आपके समय अवधि माह कितने हो गए 6, तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा 6 प्लस 3 अपॉन 2 4.5, 6 माइनस 3 अपॉन 2 1.5, और 6 अपॉन 2 3, यानी प्रत्येक माह के प्रारंभ जब होगा तो प्रत्येक माह के लिए आप यूज करेंगे ये
तालिका, और जब त्रैमासिक होगा तो आप यूज करेंगे ये तालिका। और इस तालिका में एक और लाइन है नीचे, आरण की तिथि न दी गई हो। जब आरण की तिथि नहीं दी गई हो तो हम 6 महीने, 4.5 महीने और 3 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे। हमारे को एक नोट, महत्वपूर्ण नोट है, आप इस पे स्टार बना सकते हैं, डबल स्टार बना लीजिए और देखिए, जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द न लिखा हो तो ब्याज की गणना पूरे 1 वर्ष के लिए की जाएगी, अर्थात समय तत्व को ध्यान नहीं रखा जाएगा। यानी ब्याज की दर कितनी आपकी 12%, इसके साथ क्या नहीं लिखा हो, वार्षिक, प्रतिवर्ष या पर एनम। तो जब ये तीनों वर्ड का यूज नहीं किया गया तो आप पूरे 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना करेंगे। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा भाग 3, गृह विज्ञान विषय में मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, वे कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय भाग 4। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन, एक परिचय भाग 3 व 4। कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन विषय में प्रबंध, प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर प्रबंधकीय पदानुक्रम, गणित विषय में संयुक्त फलन। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।